Hi everyone, this is Prem, welcoming you to Educational Heights. So, कैसे हो आप सब? Please let me know in the comment section. और आज के इस वीडियो की एक-एक बातें मैंने अपने खुद के टीचिंग एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है, मैं खुद भी एक CBSE का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से क्या सीखा कि भाई CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड भी हो गई, वो नंबर कैसे देती है. मैं खुद कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया है. जब मेरे सामने कोई कॉपी आती है तो मैं क्या ढूंढता हूं जिससे मैं अपने स्टूडेंट को पूरे फुल मार्क्स दे पाऊं. आज इन्हीं चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. वैसे मार्क्स की बात हो रही है तो मैं अपने मार्क्स भी आपको बता देता हूं. क्लास 10th में मेरे 10 CGPA थे एंड क्लास 12th में मैंने 82% सिक्योर किया था आफ्टर क्लियरिंग माय कंपार्टमेंटल एग्जाम इन मैथमेटिक्स. ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि भैया 82% तो उतने अच्छे नंबर भी नहीं होते. ऑफ कोर्स इतने अच्छे नंबर नहीं 82%. इवन मेरा एक इतना क्लोज फ्रेंड था ना जिसने 94.6 स्कोर किया और पूरा स्कूल टॉप कर डाला. मैंने 12th में ये सीखा कि भाई इट्स नॉट ओनली हार्ड एफर्ट दैट वी पुट इन आवर स्टडीज, इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रैटेजीज वी फॉलो, इट्स ऑल्सो अबाउट टेक्निक्स वी फॉलो. लेकिन कोई नहीं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक कहावत है कि वन मैंस फॉल्ट बिकम अनदर मैंस लेशन. और TVF का एस्पायरेंट वेब सीरीज आपने तो देखा ही होगा ना, जो IAS मैडम होती हैं जब वो इंस्टीट्यूट में आती हैं तो वो क्या कहती हैं, सुन लो थोड़ा. जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें. सो दिस वीडियो विल कंटेन व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मिस्टेक्स. और पिछले कुछ सालों के जो CBSE टॉपर्स रहे हैं, जो अलग अलग बोर्ड के टॉपर्स रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज में उन्होंने अपने सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया. उन सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज के पीछे का बेसिक पैटर्न क्या रहा है, हाउ दे कॉप अप विद देयर इश्यूज. उन्होंने भी प्रॉब्लम का सामना किया और अपने एग्जाम में टॉप किया. So, let's get started with 5 most successful, most recommended strategies to get best out of your hard efforts and do well in your exams. मैं ये आसमान वाले चांद के बारे में बात कर रहा हूँ कि अर्थ का एक्सिस कहाँ होता है, ऑर्बिटल प्लेन कहाँ होता है. चलो एक एक. नंबर 1, बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ने की कोशिश ना करो. डोंट ट्राई टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. वैसे सभी तो ऐसे नहीं होते हैं जो लंबे समय तक बैठ के नहीं पढ़ सकते. कुछ ऐसे होते हैं, टॉप 2-3% ऐसे होते हैं जो 10 से 12 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं. बट वॉट अबाउट रेस्ट ऑफ 97% स्टूडेंट्स. मैंने एक टेक्निक आपको लगभग हर अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो, लगभग ऑलमोस्ट सभी वीडियोज में मैंने आपको बताई है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में. ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके कंसंट्रेशन लेवल को बूस्ट करता है. 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो, या 50 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट्स ब्रेक ले लो. इससे क्या होता है कि आप बीच बीच में अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहते हो. वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल 200% बूस्ट हो जाएगा. मैं इसे 15 मिनट रूल कहता हूं. आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, 5 मिनट रूल बना सकते हो, 10 मिनट रूल बना सकते हो. ये रूल आपके माइंड को ट्रेन करता है. जैसे हम जिम जाते हैं, हम फर्स्ट डे जाते हैं तो थोड़ा कम वेट लिफ्ट करते हैं. हमें अपने बॉडी को ट्रेन करना होता है तो पहले दिन थोड़ा कम वजन उठाते हैं, दूसरे दिन थोड़ा वजन को बढ़ाते हैं, तीसरे दिन वजन को और बढ़ाते हैं. 2-3 महीने बाद हम देखेंगे कि हम आसानी से 200 किलो भी उठा ले रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही ये 15 मिनट रूल काम करता है. आपको क्या करना है, देखो भाई, जब कभी भी आप पढ़ते हो तो आप कुछ समय ही लगातार बैठ के पढ़ सकते हो. मे बी आप 1 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, मे बी आप आधे घंटे पढ़ते हो फिर आप ब्रेक लेने की सोचते हो. तो भाई जो ये 15 मिनट रूल है ना, वो कैसे काम करता है, जब कभी भी आप ब्रेक लेने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, आप आधा घंटा पढ़ते हो फिर आप ब्रेक लेते हो, तो जब कभी भी आप आधा घंटा पढ़ लो, आप ब्रेक लेने वाले हो ना, तो आज से 15 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा और पढ़ाई करो. और आपको ये 15 मिनट बाद तो ब्रेक ही लेना है, तो आज से जो आप आधा घंटा पढ़ते थे ना, वहां से आपको 15 मिनट और पढ़ाई करनी है. और इस 15 मिनट में आपको अपने आप को पूरा झोंक देना है, फुल
कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस 15 मिनट बाद तो आप ब्रेक ही लेने वाले हो ना भाई। 21 डे चैलेंज लो, 21 दिन तक लगातार जब कभी भी आप पढ़ाई के बाद ब्रेक लेने वाले हो ना, तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ो। बाई द एंड ऑफ 21st डे तुम देखोगे कि जो तुम आधे घंटे भी मुश्किल से पढ़ पाते थे ना, आज तुम लगातार 45 मिनट बिना किसी एफर्ट के पढ़ सकते हो फुल कंसंट्रेशन से। नोइंगली या अनोइंगली सभी टॉपर्स ने कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर किया है, चाहे वो आदित्य जैन हो, 2017 का ऑल इंडिया रैंक 3rd इसने अचीव किया था, चाहे हमारी अपूर्वा जैन हो, क्लास 10th का नेशनल टॉपर रही है, ये सभी ने अपने इंटरव्यूज में इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस जरूर किया है। और आई होप कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली 21 दिन तक फॉलो करते हो ना, तो ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को जरूर बढ़ाएगी और आप लंबे समय तक आधे घंटे जो पढ़ते थे अब आप एक घंटे पढ़ पाओगे विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। गॉट इट? नंबर 2, सॉल्व एज मेनी सैंपल पेपर एज यू कैन। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और ये बात बिल्कुल सच है। आप जितने सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। एंड इट्स ऑल्सो एविडेंट, भूमि सावंत ऑल इंडिया रैंक 2nd था CBSE में 2017 में, जब इसने अपना एक बार सिलेबस फिनिश कर लिया ना, तो ये भी बाकियों की तरह काफी कंफ्यूज थी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कोई सिलेबस के बाहर का अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए करने का। लेकिन उसने क्या किया पता है, लास्ट 2 months में इसने पेन और पेपर उठाया और जितने सैम्पल पेपर दिन रात मिला के जितने सैम्पल पेपर वो कर सकती थी उतने इसने सॉल्व कर डाले। थॉरली हम क्या करते हैं कि जब कभी भी एग्जाम आता है ना, तो हम बस नोट्स से गो थ्रू हो जाते हैं, नोट्स को पढ़ लेते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़ने में हमें लगता है कि हमें सब आता है। बट जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिखने बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है, कंफ्यूजन होने लगती है। और ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने उस तरीके के एनवायरमेंट में बैठ कर पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस ही नहीं किया है। आप अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो एग्जाम का जो टेंशन होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो एग्जाम में पेपर आता है वो भी कुछ सैम्पल पेपर की तरह ही दिखता है, तो हम पहले से ही उससे यूज्ड टू हो चुके होते हैं, पहले से ही हम उससे गो थ्रू हो चुके होते हैं, तो हमें उतनी टेंशन नहीं होती एग्जाम में जाने के बाद। दूसरा, आप अपने प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है। सैम्पल पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, जिससे आपने कभी देखा भी ना हो, तो आप उस क्वेश्चन को पेपर में बैठने से पहले ही पढ़ लेते हो, उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। तीसरा, आपका होल सम रिवीजन हो जाता है, सारे चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन हो जाता है अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो। भूमि सावंत ना, जब इसने एग्जाम दिया तो ये 95% एक्सपेक्ट कर रही थी, 95% प्लस एक्सपेक्ट कर रही थी, बट जब रिजल्ट आया शी गॉट 99.4%। और ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि उसने लास्ट 2 महीने में बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए थे, जिससे एग्जाम में ना तो टेंशन हुई और एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो उसने पहले ही सॉल्व कर रखे थे। सो मेक श्योर कि जब कभी भी आप एक्चुअल एग्जाम में बैठने वाले हो, आप अपने एग्जाम में बैठने वाले हो, उसके पहले ही जितना सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कर डालो। नंबर 3, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप किसी भी क्लास में हो, 9th, 10th, 11th, 12th, आप अपना साइंस या मैथमेटिक्स का बुक उठाकर देख लो, मिनिमम कम से कम 15 चैप्टर तो होंगे ही होंगे। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, अब अगर आपको 95% के आसपास भी पहुंचना है ना, तो हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे। मान लो टोटल 15 चैप्टर है, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगाना है, तो 15 × 100 हो गया 1500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से लगाएंगे, तब जाकर उस सब्जेक्ट में हम 95% क्रॉस करेंगे। वैसे ही हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, 1500 × 5 कर ले तो 7500 क्वेश्चन टोटल हम अपने सारे सब्जेक्ट से मिलाकर करेंगे, तब जाकर 95% हमारा आएगा। एंड इट इज नियरली impossible फॉर us, हमारे जैसों के लिए 7500 क्वेश्चन लगा पाना लगभग नामुमकिन सा है। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, पिछले 10 सालों के नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम 7 सालों के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
उठाई लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in, वहां पर चले जाओ, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इजिली फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। आप देखोगे कि हर चैप्टर से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिस कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चन रेपिटेडली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली कभी पूछ देगा, कभी घुमाकर पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट उन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर से ऐसे टॉपिक्स को निकालना है, ऐसे टॉपिक्स को ढूंढना है और उन टॉपिक से कम 15 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर डालो। अब आपका कैसे हो गया इक्वेशन, हर चैप्टर से 15 क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से उठाकर 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से करना है। हमारे पास है 15 चैप्टर, 15x50 हो गया 225 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो 225x5 कर देंगे तो 1125 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सोच सकते हो, जहां पर हमें 7500 क्वेश्चन लगाने होते थे, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करने के बाद अब केवल 1125 क्वेश्चंस ही लगाने हैं। और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप आराम से 85% क्रॉस कर सकते हो। देखा, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। नंबर 4, रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। रिवीजन इज मस्ट बिफोर अपीयरिंग इन एग्जाम। आपको जब भी लगे कि आपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, एग्जाम में आने वाले सभी चैप्टर्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, फिर भी वंस इन अ वाइल उन चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम दोबारा उस चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, नहीं, आपके लिए काफी बोरिंग हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ विच यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कागज में आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास छोटे छोटे कागज में लिख के रख लो, या जो हम क्लास में की नोट्स बनाते हैं, जो हमारे टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं, उन नोट्स का भी यूज कर सकते हो तुम रिवीजन के लिए। भाई देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है, देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमें आता है, बट जब उस क्वेश्चन को हम लिखने बैठते हैं ना, तो भाई बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को करने का तरीका हम भूल गए हो, उस क्वेश्चन में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम भूल गए हो, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर हो जाती है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस और रिवीजन। एग्जाम में अपीयर होने से पहले अगर हमने एक बार उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया ना, तो उन चैप्टर्स में जो यूज होने वाले मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो सब हमें मेमोराइज हो जाते हैं। और अगर हम अच्छे से रिवीजन करते हैं ना, तो रिवीजन से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है एंड एग्जाम का जो अननेसेसरी फियर होता है, जो अननेसेसरी टेंशन होता है ना, वो भी काफी कम हो जाता है। नंबर 5, अवॉइड अननेसेसरी टेंशन एंड फोकस ऑन डूइंग वेल। रक्षा गोपाल को तो आप सब जानते ही होंगे, सी वॉज ऑल इंडिया टॉपर, नंबर 1 रैंक था इनका 2017 में, सी सिक्योर्ड 99.6%। रक्षा गोपाल ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही थी जो मुझे लगता है आप किसी भी क्लास का एग्जाम देने वाले हो, 9, 10, 11, 12, आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम एग्जाम वर्ड सुनते ही, एग्जाम डेट अनाउंस होते ही अननेसेसरी टेंशन लेने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हम सोचते हैं कि यार एग्जाम आ गया है, पढ़ा नहीं है, पापा क्या बोलेंगे, फेल हो गया तो क्या हो गया। अरे मेरे भाई, आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप पास हो गए या फेल हो गए, आपके पापा डांटेंगे या बाइक दिलाएंगे नहीं, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसा कर रहे हो। सो रादर पुटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू फोकस ऑन स्टडीज, ट्राई टू फोकस ऑन डूइंग वेल इन योर स्टडीज, डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। अपने आप आगे की चीजें सही हो जाएंगी, अपने आप आगे की चीजें अच्छी होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस, मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है, प्लस पिछले कुछ सालों के टॉपर्स के इंटरव्यूज से जो कुछ चीजें मुझे लगी कि वो आपको बतानी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में रखी है। वो सारी टेक्निक जो बोर्ड टॉपर्स आपको बताएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, इन 5 पॉइंट्स को निकालो, लिखो
और अपने स्टडी टेबल पर चिपका डालो। यही पॉइंट्स आपको टॉपर बनाएंगे। जाओ पढ़ो लिखो और कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। जय हिंद। हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने किसी भी डाउट को ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है फिलो ऐप। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड लिंक दे रखी है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करके आप कॉन्टिन्यू करोगे। कॉन्टिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। जैसे ही आप ओटीपी को एंटर करते हो आपका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा फिलो एप्लीकेशन का। यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने डाउट की पिक्चर ले सकते हो या आप अपने डाउट को यहां से आप पिक्चर्स ले सकते हो या डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह जानना हुआ कि व्हाट इज सेल, देन टाइप करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। आपको सेलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है। जैसे ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट का है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है। फिर इसके बाद आपकी कॉल चली जाएगी एक्सपर्ट के पास। आप एक्सपर्ट से 30 मिनट्स डेली फ्री ऑफ कॉस्ट बातें कर सकते हो। जैसे गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर पर मैंने क्लिक किया, ये कॉल जाने लगी। अभी कॉल जाएगी एंड 90 सेकेंड का टाइम लेगा और ये कॉल कनेक्ट। देखा आपने कि कैसे हमने डायरेक्टली अपने टीचर को कॉल कर लिया और अपने डाउट्स को भी हम वहां पर टीचर से बात करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के और भी बाकी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके डाउनलोड करो और